Hello everyone, this is Amaira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a vastu expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपके मार्च मंथ का टेरोस्कोप लेकर के। जी हाँ, बात कर रहे हैं सभी राशियों की और अब फाइनली बारी है कैप्रिकॉन की। जी हाँ, यानी कि मकर राशि। मकर राशि वालों का मार्च का महीना कैसा रहेगा, क्या कुछ उसके अंदर जो है होने वाला है, यहाँ पर कितनी उथल पुथल है। सच बताऊँ तो आपके कार्ड देख करके तो फुल फीलिंग आ रही है कि बहुत उथल पुथल जो है आपकी लाइफ में मचने वाली है मार्च के महीने में। मैक्सिमम राशियों के लिए बोल सकती हूँ काफ़ी पॉजिटिव रहा है, आपके लिए नेगेटिव नहीं बोलूँगी, लेकिन स्टिल बहुत ज़बरदस्त प्लस माइनस अप डाउन दिखाई दे रहे हैं कैप्रिकॉन। तो बिना देर किए चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। कार्ड्स जो आपके लिए आए हैं वो है द चैरियट, ईयर फ्रॉम नाउ डोर टू स्पिरिट, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन, टेन ऑफ कॉइन्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, द चैरियट अगेन, द टावर एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड। हाँ, ऐसा लग रहा है कहाँ से शुरुआत की जाए आपकी रीडिंग की, क्या कुछ बता दूँ और क्या कुछ जो है समेट के रख लिया जाए, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मैसेज तो हम आपको नहीं देंगे। मैसेजेस हम आपको जो है हमारी पूरी कोशिश रहती है कि अच्छे तरीके से ही डिलीवर हो। चैरियट का कार्ड आपको ये इंडिकेट तो कर रहा है, एक पॉजिटिव मैसेज सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि लाइफ में मार्च के महीने में कितनी भी उथल पुथल मच जाए, अंत में सक्सेस जो है आपको ही मिलने वाली है, विक्ट्री आपकी ही होने वाली है, जीत आपकी होने वाली है, मैदान में आप ही विजयी कहलाओगे। तो ये पॉजिटिव नोट पे हो गया ना शुरू। चलो अब देखते हैं कि आगे होने क्या वाला है। यहाँ पर कांस आपके जो आ रखे हैं, टेन ऑफ कॉइन्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर तूफान आ सकता है, ठीक है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, इतनी भी बढ़ जाएंगी कि कहीं ना कहीं सेपरेशन तक भी जाना पड़ेगा। तो ये सच में एक कंसर्न वाली बात है ना, क्योंकि हम तो नहीं चाहते किसी के भी रिश्ते यहाँ पर जो है खराब हो, लेकिन यहाँ पर आपके केस में आपको बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहना है कि मार्च का महीना कहीं ना कहीं आपके लाइफ में सेपरेशन लेकर के आ रहा है आपके पार्टनर के साथ में। ये आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी पॉसिबल है, अगर आपका कोई काम कोई बिजनेस पार्टनरशिप में है तो ये वहाँ पर भी पॉसिबल है कि हो सकता है कि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे और आपके पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई हो जाएगी मार्च के महीने में और आप दोनों अपने अलग अलग रास्ते जाने के लिए डिसाइड करोगे, क्योंकि बहस और लड़ाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सैडनेस दिखाई दे रही है, क्वारल दिखाई दे रहा है, लॉसेस भी दिखाई दे रहे हैं। तो यस, मैं बोल सकती हूँ कि जो जिस किसी के साथ भी आप बहुत स्ट्रांग पार्टनरशिप में हैं वहाँ पर जो है आप फाइनली मुझे मार्च के महीने में अलग अलग रास्तों पर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। सो दिस इज़ वन एरिया ऑफ कंसर्न। बात करते हैं कि आपका मनी, अगर हम बात करें मनी मैटर्स की, फाइनेंसिस की, आपके जॉब की, तो कैसा रहने वाला है। तो जो लोग जॉब में करते हैं तो मैं बोलूँगी निश्चिंत रहिए, आपकी जॉब के ऊपर मुझे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई नहीं देता। जॉब जैसी चल रही थी वैसी बढ़िया चलती रहेगी, किसी तरीके का मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता। काफ़ी के केसेज में बोलूँगी कि अप्रेजल जो है जनरली अप्रैल के महीने में होता है, लेकिन उसके बेसिस में बोलूँगी इसका जो ग्राउंड है वो तो मार्च के महीने में ही तैयार होता है, अप्रेजल का सबमिशन तो मार्च के महीने में ही होता है। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि काफ़ी सारे लोगों के केस में इंक्रीमेंट होने वाला है, सैलरी इंक्रीमेंट, पैसा बढ़ने वाला है आपका, वैसा जो है उसका बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अनदर मैसेज पैसे को लेकर के बोलूँ या प्रॉपर्टी को लेकर बोलूँ तो यहाँ पर कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी जो है मार्च के महीने में आपके नाम पे हो सकती है। आपको पता चलेगा कि काफ़ी टाइम से या तो आप केस लड़ रहे थे किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, वो रिलीज होकर फाइनली अब आपके पास में आ गई है, दैट्स वन थिंग। सेकेंड ये है कि किसी रिलेटिव की भी हो सकती है और आपके हो सकता है दादू हो या परदादू हो, उनकी डेथ हो गई है और उसके बाद में उनकी जो आप ही की जो पुश्तैनी एक तरीके से प्रॉपर्टी वो फाइनली आपके नाम पे ट्रांसफर हो रही है। आपको सडन न्यूज़ भी मिल सकती है कि प्रॉपर्टी जो आपको मिलने वाली है। तो आप मार्च के महीने में कहीं ना कहीं रातों रात अमीर भी हो सकते हैं, ऐसे संजोग भी मुझे आपके दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टावर, ये भी इंडिकेट करता है कि मार्च के महीने में ना आपकी जो जुबान है उस पे आपको जो है काबू रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे काम खराब होने वाले हैं। आपकी कड़वी जुबान, आपके गंदे शब्दों का चयन है ना, आप कभी किसी से बात करते हो तो अपनी ईगो का यूज़ करके जब बात करोगे, गुस्से में बात करोगे, गंदे शब्दों का प्रयोग करोगे तो क्या होगा, वहाँ पर तो प्यार नहीं पनप सकता ना, वहाँ लड़ाइयाँ ही होंगी। तो उसकी वजह से बहुत लड़ाई हो सकती है। आपको अपने कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है मार्च के महीने में। बात करते हैं बिजनेस वगैरह की, तो बिजनेस वगैरह ठीक चलेंगे, कहीं ना कहीं ग्रोथ ही दिखाई देती है। मैंने बताया कि पार्टनरशिप में अगर किसी का बिजनेस है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, बिजनेस भी खत्म हो सकता है। पार्टनरशिप तो फॉर श्योर 100% खत्म हो जाएगी। अगर आप ठीक ठाक पैसे वाले हो, सामने वाले को अच्छा पैसा ऑफर कर सकते हो, अपना बिजनेस फ्री कर लोगे, बच जाओगे, लेकिन पार्टनरशिप खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। सैडनेस, धोखा भी दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आपको सामने पता चलेगा पार्टनर कोई आपको चीट कर रहा था या फिर धोखा दे रहा था, गलत एंट्रीज उसने डाली हुई थी बिजनेस में, इस तरीके की इंडिकेशंस मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। अनदर कार्ड फॉर यू इज जजमेंट एंड चैरियट। हेल्थ के मामले में आपको चिंता करने की खास आवश्यकता है नहीं, हेल्थ यहाँ पे मुझे आप लोगों की ठीक ही दिखाई दे रही है। बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, तो जो आपकी लव लाइफ है
वो चिल्ड्रन की वजह से यानी कि बच्चों की वजह से इस महीने जो है काफ़ी अफेक्टेड रहेगी। तो हो सकता है कि आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, उस पर जो है ज़्यादा आपका ध्यान रहने वाला है, या फिर कुछ केसेस में ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने अभी नया नया कंसीव किया है तब भी जो है आपकी प्रेगनेंसी बहुत नई नहीं है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि हम आपस में एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं रिश्तों के अंदर, कई बार हस्बैंड वाइफ, तो भी एक गैपिंग सी बढ़ने लग जाती है। तो मार्च के महीने में कहीं ना कहीं कारण बच्चे बनेंगे, लेकिन आप दोनों के बीच में गैप आ सकता है, थोड़ा सा सेपरेशन आ सकता है, मन मुटाव भी हो सकते हैं, बट ये टेम्परेरी एनर्जी है, दिस विल चेंज। डोर टू स्पिरिट, आपकी लाइफ में कोई बहुत मेजर, मैं बोल सकती हूँ, इधर उधर गड़बड़ होने वाली है, लेकिन उसको आपको उससे बचाने के लिए डोर टू स्पिरिट ओपन हो रहा है, यानी कि आपके जो गार्जियन एंजल हैं, आपके जो पूर्वज हैं, हमारे दादू दादी कोई भी होते हैं जो अभी इस दुनिया में शायद नहीं है, उनकी स्पिरिट जो है आपको प्रोटेक्ट करती है, वो आपके गार्जियन एंजल की तरह बनके आपके साथ रहते हैं। तो इसी तरीके की एंट्री मुझे आपकी लाइफ में दिखाई देती है कि कोई मेजर नुकसान नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपके जो पूर्वज हैं, आपके गार्जियन एंजल्स हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। कोई मन में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हो सकता है घर बनाना चाह रहे हो सकता है कोई अंपायर आप खड़ा करना चाहते हो, तो यहाँ पर एंजल्स बोल रही हैं उसमें अभी एक साल और लगेगा, है ना, मार्च के महीने में कंप्लीट नहीं हो रहा है। मार्च के महीने में कोई नया गोल डिसाइड करोगे, कुछ बनाने की सोचोगे, तो उसको पूरा होने में एक साल लगेगा। प्रोटेक्शन, यू योर लव्ड वंस एंड योर पोजिशंस आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड बाय हेवन। तो यहाँ पे एक और अश्योरेंस यहाँ पे आ रही, मैं देखती हूँ ना, देखो यूनिवर्स ना ऐसे ही बात करती है, कार्ड्स इतने अमेजिंग तरीके से बोलते हैं ना, आई लव माई कार्ड्स, कि यहाँ पे अभी आपको मैसेज दिया मैंने कि कोई ना कोई स्पिरिट जो है आपको प्रोटेक्ट करेगी, यहाँ पे वहीं पर ये स्पिरिट आपको मैसेज भी दे रही है कि अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं रहा है और आप उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, उनको मिस करते हो, तो आपको उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो दूसरे रियल्म में भी जो है सेफ हैं, सिक्योर हैं। और यहाँ पर मुझे एक अलग सा मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि चिल्ड्रन की वजह से आपकी लव लाइफ जो है यहाँ पे मुझे अफेक्टेड दिखाई दे रही है कुछ के केसेस में, आई एम नॉट सेइंग इट्स फॉर एवरीवन, है ना, बहुत रेयर केस ऐसे होंगे, लेकिन हो सकता है कि किसी के केस में ना मिसकैरेज के चांसेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपका मिसकैरेज जो है मार्च के महीने में हो जाएगा, यू गोना लूज योर चाइल्ड यहाँ पे, और उसकी वजह से ही आप भी डिप्रेशन में जा सकते हो, आपके और आपके हस्बैंड के बीच में चीज़ें खराब हो सकती हैं, वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए अब आपकी रीडिंग को अगर मैं समअप करूँ, पैसे की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पैसे का फ्लो अच्छा दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी मार्च के महीने में आपके नाम हो सकती है, पार्टनरशिप में अगर बिजनेस है तो वहाँ पर डिस्टर्बेंस एंड सेपरेशन दिखाई देता है, पार्टनरशिप खत्म भी हो जाएगी मार्च के महीने में। हेल्थ को लेकर के ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, हेल्थ स्मूथ रहेगी, अच्छी रहेगी, अपना ध्यान रखिए, अपने आप को हाइड्रेट रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीप ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर, ठीक है जी। बच्चों को लेकर के लव लाइफ थोड़ी सी इफेक्ट हो सकती है, कुछ केसेस में मिसकैरेज दिखाई देता है, आप अपने बच्चा लूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, आप खुद भी काफ़ी डिस्टर्ब फील कर सकते हो, डिप्रेशन में जा सकते हो। बट चैरिट का कार्ड ये इंडिकेट भी कर रहा है काफ़ी, ये सिर्फ बड़ा रेयर मैसेज है, नई गाड़ी कोई अगर खरीदना चाहता है ना, अगर आप नई गाड़ी खरीदना चाह रहे थे तो उसकी बुकिंग आप मार्च के महीने में करा सकते हो, ऑलरेडी बुकिंग कराई हुई थी तो मार्च के महीने में डिलीवरी मिल जाएगी, नई गाड़ी जो है मार्च के महीने में आपके घर आने वाली है, आप अपने घर लेकर के आने वाले हो। जजमेंट का कार्ड ये भी बोलता है कि लाइफ को लेकर के ऐसा मत समझो, लाइफ में कभी भी जब कुछ गलत होता है तो सब खत्म हो गया, सब खत्म हो ही नहीं सकता, है ना, ये यूनिवर्स का नियम है, ये खत्म हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई एक नई शुरुआत हमेशा एक अंत अपने साथ लेकर के आता है, तो इस चीज़ पे विश्वास रखो, भगवान पे विश्वास रखो कि अगर लाइफ में अभी कोई डिस्टर्बेंस चल भी रही है तो ये ज़्यादा टाइम तक आपकी लाइफ में नहीं रहेगी और बहुत जल्दी जो है आपको बेटरमेंट देखने को मिलेगी। बात करें लकी कलर की, तो ऑफ वाइट कलर जो है मार्च के महीने में आपके लिए लकी रहेगा। नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर 7 जो है आपके लिए लकी रहेगा कैप्रिकॉर्न। तो ये था आपका मंथली टैरोस्कोप, आई होप यू लाइक द रीडिंग, अगर आप लोगों को रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं, आप रेजोनेट कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ ये हमसे मिलती हैं रीडिंग्स, और आप स्पेसिफिकली अपना पर्सनल सेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।